दोस्तों जय हिंद। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि आपने जो ALP का फॉर्म भरा है तो उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो कुछ गलती हो सकती है, तो भारतीय रेलवे आपको इस मिस्टेक को, इस गलती को सुधारने का एक मौका देती है, और जिसके लिए आप अपना जो 250 रुपये फीस दे करके अपने फॉर्म को बदल सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो में लिख दिया हूँ कि आपको क्या क्या बदल सकते हैं और क्या क्या नहीं बदल सकते हैं। तो इसको ध्यान से देख लेना इस वीडियो को, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपने मिस्टेक किया है, और आप अगर को नहीं समझ में आता है कि हमें कहाँ से देखना चाहिए, तो आपने जो फॉर्म फिल किया है तो आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा, उस प्रिंट आउट को आप चेक कर लें और बारीकी से चेक कर लें कि आपने कुछ उसमें से कुछ गलती किया है क्या। अगर लगता है तो आप उसको जा करके अपने जहाँ पे आपने फॉर्म भरा है ऑनलाइन कंप्यूटर पे, उस पे आप अपना मॉडिफिकेशन वाला जो टैब है उसको ओपन करो और आप अपना फॉर्म को मॉडिफाइड कर दो। ठीक है, तो ये हमने डिस्प्ले पर लिखा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ विंडो ओपन टिल 29, यानी 20 फरवरी से 29 फरवरी तक ये हमारा मॉडिफिकेशन विंडो खुला है। 19 तारीख लास्ट डेट थी, और उसके बाद ये 20 तारीख से ये मॉडिफिकेशन विंडो खुला है, जो कि आज है 24 फरवरी 2024, और ये 29 फरवरी 2024 तक खुली रहेगी। तो आप जो है इसको बदल सकते हैं, और इसका जो फीस है वो आपको एक मॉडिफिकेशन के लिए 250 रुपये है, और ये 250 रुपये सबके लिए है। जो भी मॉडिफिकेशन करेगा, एक बार मॉडिफिकेशन में आप जाएंगे तो उसमें आप अपनी मॉडिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या आप बदल सकते हैं और क्या क्या नहीं बदल सकते, यानी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप क्या क्या बदल सकते हैं। तो RRB के जोन की जो प्राथमिकता है वो बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने रेलवे रिक्रूटमेंट मुंबई यानी RRB मुंबई से फॉर्म भरा है, और उसने पहला प्राथमिकता उसने वेस्टर्न रेलवे दे दिया है, और दूसरा प्राथमिकता उसने दे दिया है सेंट्रल रेलवे, तो ये जो प्रिफरेंसेस है ये बदल सकता है। ये प्रिफरेंसेस वो जा करके अपना सेंट्रल रेलवे पहले नंबर पे रख सकता है, दूसरे नंबर पे वो वेस्टर्न रेलवे रख सकता है। तो ये हमारा प्राथमिकता है, जोन की प्राथमिकता बदल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे कि अब अगला क्या बदलेगा। तो दूसरा है एग्जामिनेशंस लैंग्वेज लाइक मराठी टू हिंदी। मान लीजिए किसी बच्चे ने अपनी जो एग्जामिनेशन की लैंग्वेज है, आप सबको पता है कि ये जो एग्जामिनेशन लैंग्वेज है वो 15 भाषाओं में आती है, और ये मैं बहुत बार अपने वीडियो में बता भी चुका हूँ, तो जो लोग मेरे इंस्टाग्राम से आए हुए हैं तो उनके लिए बता दूं कि ऑलरेडी मैंने एक रील के रूप में इसको बना के डाल चुका हूँ। तो ये जो है इंग्लिश एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगी, यानी कोई भी आप लैंग्वेज आप चुनेंगे ऑलरेडी एक इंग्लिश आपकी जो लैंग्वेज रहेगी, उसके साथ में अगर आपने मराठी चुना है तो मराठी आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मैंने जो मराठी चुना है लैंग्वेज, वो लैंग्वेज हमें बदल के उसको हिंदी कर देना है, ठीक है, तो आप उसमें जा करके आप अपना परिवर्तन कर सकते हैं। ये सिर्फ ना सिर्फ मराठी, आप 15 भाषाएं जो भी आप डाल के रखे हैं, अगर आपको लगता है कि हमें इनमें से कुछ बदल के दूसरा लैंग्वेज करना है तो आप आसानी से इसको बदल पाएंगे। तीसरा है एड्रेस, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपने जो एड्रेस लिखा है दिया है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट, इसको बदल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा
ये है फोटो विथ डार्क बैकग्राउंड, या फिर कैपिटल लेटर में आपने साइन किया हुआ है, तो इसको ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे लोगों का जो फॉर्म है इसी पर रिजेक्ट होता है। किस पे? अगर उन्होंने जो फोटो दिया है उसका जो साइज है वो सही नहीं है, या बहुत ज़्यादा डार्क कलर पीछे दिया है, लाइट कलर देना चाहिए था, लाइट ब्लू या वाइट बैकग्राउंड या इस टाइप का अगर कलर देते हैं तो उसमें फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसके अलावा आपका आपने कोई गॉगल लगाया है, कैप लगाया है, या फिर आप ग्रुप का फोटो है, या फिर आपका पासपोर्ट फोटो ना हो करके फुल साइज का फोटो है, या फिर टिल्ट फोटो है, या फिर आपने साइड से फोटो लिया हुआ है, या फिर आपने सेल्फी लिया हुआ है, तो इन सब चीज़ें को आप अपने फोटो में आप इसको बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने साइन किया हुआ है कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में साइन किया है तो आप इसको अपने रनिंग हैंड में लिख सकते हैं। वो रनिंग हैंड आपका हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, तो आपका जो साइन है इस तरीके से भी हो सकता है। मान लीजिए ये मैं लिखता हूँ संतोष कुमार, ठीक है, ये साइन भी चलेगा और ये साइन भी चलेगा। ये साइन भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन ये ऐसे अगर है साइन तो ये साइन नहीं चलेगा, यानी कैपिटल लेटर में साइन नहीं चलेगा। तो अगर आपने इस टाइप की कुछ गलती किया हुआ है तो आप अपने फॉर्म में जाके मॉडिफिकेशन कर लेना। अभी भी आपके पास 29 फरवरी 2024 तक टाइम है। इसके अलावा ये आपका जो है पांचवा, बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड फीस। जैसे अगर आपने जो बैंक अकाउंट दिया है, अगर आपको लगता है कि हमें बैंक अकाउंट बदलना चाहिए, जो कि हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं CBT 1 जब आप देने जाओगे तो आपका जो फीस है वो रिफंड होने वाला है, तो उसका जो अकाउंट डिटेल अगर आपने दिया हुआ है तो आपको लगता है कि उसमें हमें कुछ चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है छठा है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, आप अपना रिलीजन और कास्ट बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई धर्म में हिंदू के अलावा कुछ और डाल दिया है, मुस्लिम डाल दिया है, जैन, इस टाइप का, तो आप अपने जो रिलीजन है उसको बदल सकते हैं। इसके अलावा अपनी कास्ट बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने गलती से UR लिख दिया है, अनरिजर्व में चला गया है, और जबकि वो OBC में आता है या EWS सर्टिफिकेट उसके पास है, ऑलरेडी वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, फिर भी उसने जो अपना फॉर्म भर दिया है अनरिजर्व में भर दिया है, तो भी चेंज कर सकता है। अगर EWS का सर्टिफिकेट लगा करके भर दिया तो उसको 10% का आरक्षण मिल सकता है। इसके अलावा अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगा करके अगर फॉर्म को मॉडिफाइड कर लेता है तो उसको UR यानी अनरिजर्व से OBC हो सकता है। इसी तरीके से SC ST आप अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगा करके उसको अनरिजर्व से SC ST में बदल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ये हमारा चांस है कि हम इसको बदल सकते हैं। सबसे ज़्यादा चांस हमारा UR और EWS के लिए है। इसके अलावा आप जो है अगर आपको लगता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी EBC का आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये हमारा था छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट था इसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। अगर आपको लगता है कि आपने जो क्वालिफिकेशन डाला है, आप ग्रेजुएट भी है और आपने इंटर या दसवीं जो भी आपने जो क्वालिफिकेशंस में कुछ मिस्टेक करा है, गलती किया है, तो आप उसको जाकर सुधार सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में अगर आपने डीजल मैकेनिक, फीटर, मशीनिस्ट की जगह पे कुछ और डाल दिया है, कोई और ट्रेड डाल दिया है जो कि आपसे के ट्रेड से मैच नहीं करता है, तो आप उसको जाकर के उसको मॉडिफाई कर लेना, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके अलावा आप एक सर्विसमैन, ये नेक्स्ट पॉइंट है,
आठवां पॉइंट है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप रेलवे एम्प्लॉई है तो भी आप वहाँ पे जा करके अपने जो कैटेगरी है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नौवां है कट ऑफ मार्क ऑन द बॉडी, यानी कि अगर आपके बॉडी पे कोई कट ऑफ मार्क है जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क, तो अगर उसको आप चाहते हैं बदलना तो भी आप जो है उसको बदल सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मेरे पास मेरे हाथ में टैटू बना है तो क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा क्या, तो मैं बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें इनबॉक्स में इस टाइप का सवाल कर चुके हैं, तो भी आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास हो सकते हैं। आप अपना कट ऑफ मार्क जो देना चाहते हैं वो स्पेशली ऐसी जगह पे देना जो कि आपका पहचान बनाता हो, जहाँ पे कट मार्क है, ठीक है। इसके अलावा है दसवां पॉइंट, हमने 10 पॉइंट लिख लिए थे इसमें। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप सिंगल है या मैरिड है, अगर आपने वहाँ पे सिंगल लिख दिया है, जैसे कभी कभी कोई हमसे पूछ देता है कि आपकी शादी हो गई है क्या, तो कुछ लोग जो है बोल देते हैं कि नहीं ना मैं सिंगल हूँ, बाद में उनको लगता है रियलाइज होता है यार मैं तो मैरिड था, उसको जो है सिंगल बताया। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रखना और यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आप अगर मैरिड है तो मैरिड लिखो, अगर आप जो है सिंगल है तो सिंगल लिखो, उसमें आपका भला है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या था, क्या क्या आप बदल सकते हैं। अब आते हैं कि क्या क्या आप नहीं बदल सकते हैं। तो सबसे पहले देख लो, जब आप मॉडिफिकेशन आप विंडो ओपन करेंगे तो जो भी चीज़ें आपको ग्रे कलर में है यानी वाइट नहीं है तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो भी ग्रे कलर में लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखना, वो आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या सर मैं जोन चेंज कर सकता हूँ क्या, तो क्योंकि अब तो भैया आपने फॉर्म भर दिया है और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो, अरे मेरा जो जोन सेफ था वो तो रेड जोन में डेंजर जोन में बदल गया है, बाप रे यहाँ पे इतने सारे फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अब तो भैया मुझे जो है ये जो डेंजर जोन है इस मुंबई जोन को बदल के अगर मैं भोपाल कर लूं तो कितना अच्छा हो जाता, लेकिन अब वो चांस नहीं देगी। ये सब चीजें आपको पहले से सोच समझ के रखना चाहिए था, अब आप जोन बदल नहीं सकते। ये था दूसरा पॉइंट। हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे, ये तीसरा पॉइंट है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप बदल नहीं सकते, इसलिए आपका जो भी मोबाइल नंबर है वही मोबाइल डाला है और ये मोबाइल को एक्टिव रखना कब तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि उसी पे आपको एग्जामिनेशन से संबंधित आपके इंफॉर्मेशन आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा। जिस दिन आपका CBT 1 होने वाला रहेगा उससे पहले 10 दिन 15 दिन पहले आपके ईमेल पे एक मैसेज आएगा कि इतने तारीख को एग्ज़ाम की डेट आ गई है, अब आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आपको ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उसी कंप्यूटर उसी लैपटॉप पे जाना होगा, तो इसलिए ये आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा। चौथे में आ जाएंगे हम लोग, नेम, फादर नेम और मदर नेम, यानी अपना नाम और पिताजी का नाम और मम्मी का नाम, ये आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस बहुत सारे लोगों का एक और डाउट, कॉमन डाउट होता है, मेरे मैसेज में हमेशा ये पूछा जाता है कि सर मेरा जो नाम है वो मान लो संतोष है तो SANTOSH है, तो लेकिन मैंने गलती से SHANTOSH लिख दिया है, ऐसा थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप डरो मत, सिर्फ मॉडिफिकेशन करने से कुछ फायदा नहीं है। अब आप जो है DB के टाइम दिखा देना कि जो मेरा नेम का मिस्टेक है वो गलती से हुआ है, जबकि मैं ही दोनों पर्सन हूँ,
तो वो आपको एक्सेप्टेबल है, ध्यान रखना। तो इसमें आप जो है ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि सिर्फ आपको स्पेलिंग में मिस्टेक है तो चलेगा, नाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कि पता चला मेरा नाम संतोष है तो मैंने अपना नाम जो है मुकेश या सुरेश रख दिया है, या मेरे फादर का नाम कुछ और है तो मैंने कुछ और नाम रख दिया, तो वो नहीं चलेगा। थोड़े बहुत स्पेलिंग मिस्टेक चल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे, अब पांचवा पॉइंट है हमारा डेट ऑफ बर्थ, यानी जो हमारी बर्थ डेट है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये हमारा मेन है कि डेट ऑफ बर्थ और हमारी जो एज है आपकी, उस एज को आप बदल नहीं सकते, ये आपका वही के वही रहेगा। क्योंकि जब भी आपकी मेरिट बनेगी, ध्यान रखना, जैसे CBT 1 में अगर कोई बंदा 40 पाया है मार्क और आप भी 40 पाए हैं, तो किसको ऊपर रखना, जो उम्र में बड़ा होगा उस वो आपसे ऊपर होगा सीनियरिटी में, अगर सेम मार्किंग किया है तो। यही हमारा डेट ऑफ बर्थ उस समय काम आता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है ये छठा है, जेंडर चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी ने अपना गलती से मेल लिख दिया है जबकि वो फीमेल है, और जबकि वो किसी ने फीमेल लिख दिया जबकि वो मेल है, तो ये आपका जो जेंडर है ये परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा जो था एक वीडियो था जिस बताने का कि अभी विंडो खुली है, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं जल्दी से, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में करना। और हाँ, इतनी से भी आपको अगर संतुष्टि नहीं हुई है तो भी आप कमेंट सेक्शन में करना, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैं मिलता हूं अपने किसी नए वीडियो में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।